और दिफाए पाकिस्तान को एक बार फिर हम सबका सलाम। और इस वक्त ऑफ कोर्स मेरे प्रोग्राम के सेगमेंट्स चेंज हो रहे हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे साथ कोई इंस्पिरेशन या ऐसे लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और शहीद के जो बच्चे वो हमारे अपने बच्चे हैं और शहदा की फैमिली, हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सलाम पेश करते हैं। इस वक्त भी एक मेरे बड़े प्यारे भाई जो हैं वो शहीद, उनकी फैमिली मौजूद है। मैं उनका ज़रा थोड़ा बता दूं और उनकी कुछ पिक्चर प्रोफाइल भी हमारे पास मौजूद है, वो भी आप लोग देखिएगा, उसके बाद उनकी फैमिली से भी मिलेंगे। तो इस वक्त जो मैं इस वक्त प्रेजेंट करने वाली हूँ पिक्चर प्रोफाइल में, वो है DSR फयाज अहमद शहीद कायम खानी फ्रॉम हतंगो से उनका एक ताल्लुक है, ताल्लुक था ऑफ कोर्स, तमगा बिसालत फ्रॉम रेंजर्स। और स्पेशल उनका फुटेजेस हम देखते हैं, उसके बाद हम आपको उनसे उनकी फैमिली से मिलवाते हैं। DSR फयाज अहमद शहीद कायम खानी का भी हमने फुटेजेस देखे और उनकी फैमिली, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे। या मैं कहती हूँ कि ऑफ कोर्स हम लोग जब उनके शहदा की फैमिली का जिक्र करते हैं और बड़े मोहब्बत से वो लोग अपने, जब वो अपने माँ बाप से जब जाते हैं तैयार हो के, वाइफ से जुदा होते हैं, हर वक्त उनके जहन में यही रहता है कि या तो हम शहीद होंगे या गाजी। वो हर वक्त तैयार रहते हैं, मैं कहती हूँ ना, हर वक्त हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शाद माने, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। अपने बच्चों को मोटिवेशनल मैसेज देना, कहीं पर भी डीमोटिवेट नहीं होना, ललकारना, वतन की खातिर खड़े रहना, इस झंडे के अजम को हमेशा बुलंद रखना और अपने जज्बों को भी बुलंद रखना। और उनके बच्चों में भी वही मोहब्बतें, उनकी माओ की आंखों में वो आंसू नजर नहीं आते जो शायद हम लोग, बहुत सारे लोग हैं वो अपनी आंखों के आंसुओं को भी इस जज्बे से प्रेजेंट करती हैं कि आई फील वेरी प्राउड, फख्रे पाकिस्तान। यस, इस वक्त मेरे बड़े प्यारे भाई DSR जो है फयाज अहमद शहीद कायम खानी के कुछ यहाँ पर रिगार्ड्स एंड कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर उनकी बड़ी प्यारी सी फैमिली भी बैठी हुई है और बच्चे हैं, और मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हैं कौन है जी, बड़े प्यारे प्यारे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सबके जाओ वारी जाओ है शहजादे। अच्छा जी, ये फयाज भाई की पिक्चर ऐसे रखो बेटा, ऐसे सामने ऐसे। अच्छा जी, ये शहीद फयाज कायम खानी, फयाज अहमद कायम खानी, क्या नाम है बेटा आपका? दानिश फयाज इनका नाम है। और बराबर में ये मेरी प्यारी सी बेटी, क्या नाम है? मैं फरवा फयाज। आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मैं सदके जाऊं, वो मेरा बेटा, ओए मैं सदके क्यों रो रही हूं बेटा? बाबा अच्छा पिक्चर ले लो, बाबा पिक्चर ले लो, अच्छा ले लो, इनको दे दो भाई, आप अपने इनको पिक्चर दो माइक में। नाम लो, क्या नाम लिया अपने? आप जब आप इतने में शत के जो हम क्यों रो रहे हो मेरा शहजादा। अच्छा बराबर में कौन है? सादुल्ला। और आपका बेटा? बच्चे दोनों बेटियों की आंखें हो गई है नम, और मैं तो वैसे ही मेरा दिल खफा होने लग गया है। फरवा आपको बाबा याद आ रहे हैं बहुत ज्यादा? इस जगह हम क्या बात करें, हमारे अपने बच्चे हैं और वतन, मैं फिर वही कहते हैं एक जा हूं हजार जाने तुझ पे निसार कर दूं।
मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए, मैं क्या बात करूँ उस बच्ची से जिसके आंसू नहीं रुकते। और ऑफ कोर्स बेटियों की जान होते हैं बाबा। और अच्छा अब मैं ये बताओ, जब बाबा जब आते थे फिल्म फिल्मों में, मेरा बच्चा अब भाई आप रो रो के प्रोग्राम करोगे तो मैं कैसे करूँगी प्रोग्राम आपके साथ? आप ऐसे रोते रहोगे हैं, आप ऐसे रहोगे तो मेरे से प्रोग्राम नहीं होगा ना। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो है ना किससे बाबा प्यार करते थे? सबसे प्यार कर, आप मेरे पास आ जाओ, आप आओ मेरे पास, आओ इधर आओ, कम कम आ जाओ, सबसे प्यार करते थे। फरमा यार तुम तो छोटी सी दिल की हो भाई, है तो प्यारी सी। अच्छा जी फरवा को हम अपने साथ बिठा रहे हैं, ऐसी हो गई मेरी प्यारी बेटी। अच्छा जी बात हो रही है आपका बेटा क्या नाम है? ये इनको माइक लग, अच्छा आपको लग बुशरा, बुशरा ये बताएं कि सबसे ज्यादा बाबा ना, वैसे तो बच्चों को सभी प्यार करते लेकिन सबसे ज्यादा किससे प्यार करते थे? सबसे ही करते थे लेकिन दानिश सबसे छोटा था। कितने साल का था जब बाबा आपसे जुदा हुए थे? दानिश दानिश 4 इयर्स का था। ये छोटा वाला आप छोटे थे तो पता है बाबा चले गए? नहीं पता ना, क्या नहीं पता, हमेशा लगता है कि अभी भी वो सखर में ही है। अच्छा इसको अभी भी लगता है? हम सबको लगता है। हमारे रब ने कहा कि शहीद कभी नहीं मरते और ये अमर हैं और वो हमारे दरमियान ही होते हैं। उनकी खाक उनके कफन को भी कहते हैं कि मट्टी भी नहीं छूती, और ये वादा है मेरे, शहीद हमेशा जिंदा होते हैं, मेरे रब का वादा है। मैं इन बच्चों के साथ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं क्या करूँ, बेटियों की जान होते हैं बाबा। और दिफाए पाकिस्तान की जब मैं बात करूँ, फौज पाकिस्तान की, उन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। और इस वक्त डॉक्टर उसको DSR फयाज अहमद शेख काम खानी साहब की फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं। छोटी थी, सोच रही थी मैं, दानिश जब 4 साल का था उनके, उनको एक ऑफकोर्स उनके बाबा दुनिया से चले गए और अपने मुल्क पर अपनी जान निसार कर दी उन्होंने, और इनकी वजहों से आज हम लोग इतने इस मुल्क में आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, इन शहीदों की वजह से। अच्छा बुशरा ये बताएं मेरा बच्चा कि जब ऑफ कोर्स आप लोगों के घर में बाबा आखिरी बार मिल के गए तो क्या उनके साथ हुआ था, वो थोड़ा मुझे मेरा बेटा बताओ। हमारी ईद थी। अच्छा ईद थी, ईद के 10 डे, ईद के 2-3 दिन पहले बाबा आ गए थे। अच्छा फिर हमने बहुत अच्छी ईद मनाई थी, मूवी देखने गए थे, फिर बाबा की पोस्टिंग होनी थी सखर तो वो सखर चले गए थे। अच्छा ये हुआ था। अच्छा फिर क्या न्यूज आया कि आपके बाबा का क्या, मतलब वहाँ पर उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या वो किसी उसमें गए थे, किसी जंग में गए थे? ये थोड़ा भी सखर में ना रेड हुआ था, ऑपरेशन पे गए थे। ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। तो एक सीमेंट फैक्ट्री थी जहाँ बारूद आई गेस फैल गया था, ये कोई बीच में कोई करके चले गए थे। तो जब बाबा वाले अंदर एंटर हुए तो अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो बाबा तो बहुत इंजर्ड हो गए थे और भी कुछ हो गए थे। तो बाबा ने अंदर जाके बाकी जो सोल्जर्स थे उनकी हेल्प की, उन्हें पहले बाहर निकाला जबकि वो खुद भी इंजर्ड हो गए थे। अच्छा फिर पता चला हमें कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आप उस वक्त कितने साल की थे बुशरा? I was 12 years old. तो मैक्सिमम कितने साल हो गए अभी बाबा को जिता? 3 years. He was died 3 साल हो गए। 17 जी। 3 साल लगता है कभी यहाँ से भी आ जाएंगे यूनिफॉर्म में मेरा बेटा बुशरा, हमेशा आवाज लगती है ऐसे कभी यहाँ से आ जाएंगे। अच्छा वो अभी भी यूनिफॉर्म है आप लोगों के पास? जी हमने पूरी प्रॉपर वॉल बनाई हुई है जहाँ बाबा की यूनिफॉर्म्स भी हैंग हुए हैं, सब चीजें। मैं आपके घर आऊंगी पूरा इंशाल्लाह, आपके घर जो है ना बाबा की यूनिफॉर्म सब चीजों को प्रेजेंट करेंगे और स्पेशली हम अपने तमाम जो है देखने वालों को बताएंगे गुड मॉर्निंग विद सभी में कि इनका भी पैकेजिंग इंशाल्लाह चलवाएंगे। अच्छा मैं बात करूंगी वो बराबर में, ये ब्लैक सूट में है मेरा बच्चा, क्या नाम है? अच्छा ये अपने बाबा से कुछ मिलता बहुत ज्यादा है, इधर देखो दानिश जरा आप इधर हो जाओ, तो आप तो छोटे थे ना इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता, आप इसीलिए आपको पता ही कुछ नहीं, अब तो पिक्चर पकड़े हुई आपने है? ये हमेशा याद करता है कि अच्छा। बाबा के ऊपर कंधे पे बैठता था। रियली? और मैं सद के तो
मैं क्या बात करूँ यहाँ पर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगी और फिर इनके बाबा का पैकेज देखते हैं, बच्चा रो रहा है बहुत। अच्छा इधर आओ मेरे पास, इसको मेरे पास भेजो, इधर आओ मेरा बेटा। अच्छा इधर आओ, मैं छत के जाऊँ, आप रो नहीं ना मेरी बच्ची है, तो ये मेरे बच्चे रो रहे हैं यार। शहीद कायम खानी फ्रॉम कांगे जी, तंगा बिसालत फ्रॉम रेंजर्स, ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरा बेटा, रो नहीं मेरा बच्चा। और ये हमारी अपनी फैमिली है और हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और साथ में इनके बाबा का खूबसूरत फोटोज देखेंगे, ठीक है? आते हैं वापस।